कंगना रनौत ने हर किसी से पंगा लेने की ठान ली है। जी हाँ, जब से उन्होंने फिल्म पंगा की है ऐसा लगता है कि उसके पहले भी और उसके बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ पंगे ही ले रही हैं बॉलीवुड में हर किसी से। और अब सीधा सीधा उन्होंने करण जौहर से लेकर दीपिका पादुकोण तक हर किसी पर निशाना साधा है। चलिए आपको बताती हूँ, आप सभी को बता दूं कि कंगना रनौत ने अपना रिव्यू दे दिया है फिल्म गहराइयों को लेकर। जी हाँ, गहराइयां बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। ये फिल्म लगातार लाइमलाइट में है, इस फिल्म के बारे में लगातार बातें हो रही हैं। उसी के साथ साथ दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस को काफी प्रेज किया जा रहा है, शकुन बत्रा के डायरेक्शन को प्रेज किया जा रहा है, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है ओवरऑल इस फिल्म में, उन सभी चीजों को धैर्य से लेकर आप कह सकते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर अनन्या पांडे तक हर किसी को काफी प्यार मिल रहा है। अब आपको मैं बता दूं, लेकिन शायद ये प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कंगना रनौत को। कंगना जो कि हमेशा अपने बेबाक रिव्यूज के लिए जानी जाती है, बेबाक बातों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे बॉलीवुड को ही खराब बता दें, हर फिल्म को खराब बता दें, सिवाय वो अगर आपकी फिल्म ना हो तो। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कंगना ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है जहां पर उन्होंने एक पुराने गाने को दर्शाया है, पुराने गाने का लिंक शेयर किया है और इस बारे में बात करते हुए कंगना लिखती है, आई एम ऑल्सो अ मिलेनियल बट आई आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ रोमांस। In the name of millennial, new age, urban movies, don't sell trash please. Bad movies are bad movies. No amount of skin show or pornography can save it. It's a basic fact, कोई गहराइयां वाली बात नहीं है। साफ कर दिया है उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ आप पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्किन शो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी गहराई नहीं है आपकी फिल्म में, साफ लिख दिया है उन्होंने। उसी के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आज की जनरेशन की मैं भी हूँ और मैं लेकिन पुराने जमाने के प्यार से ताल्लुकात रख पाती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप रख पाती हैं तो हर कोई रखेगा। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट हाँ, आप लोगों को क्या है लगता है इस पर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। ऑफ कोर्स यू नेम द फिल्म, नाउ यू आर आल्सो नेमिंग अ फिल्म, यू आर आल्सो नेमिंग अ फिल्म व्हिच इज कमिंग, यू आर आल्सो नेमिंग अ फिल्म, लेट मी फिनिश। ऑब्वियसली यू आर बीन प्लांटेड बाय द पीआरस ऑफ द सेट फिल्म पीपल। अरे यार, हम इतने भी तो नादान नहीं है ना, बट आप एक्सप्लेन तो करने दीजिए ना मुझे। आई एम नॉट सेइंग कि आप दीपिका का नाम लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप दीपिका का नाम लीजिए। नो नो, डू इट आउटसाइड। आई एम सेइंग आई विल टॉक टू यू, आई विल एंगेज विद यू फॉर 45 मिनट्स। अमेजिंग, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गाइस हैव बीन वंडरफुल।